माय गॉड गाइस, सामने नजारा देखो यार। गाइस आप लोग तो देखे हैं कैसे हम लोग यहाँ पे आकर एंजॉय किया है और नेचर क्या है, तो यहाँ पर आकर ही पता चल जाएगा आप लोगों को। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, अब वीडियो पे बने रहिए। गाइस अभी हम लोग आ गए वाखाबा फॉल्स में। अभी टाइम हुआ है 1:10। टिकट 10 रुपीज पर हेड। तो चलिए देखते हैं वाखाबा फॉल्स। दूर वो सामने जो आपको दिख रहा है जो फॉल्स, वो ही है वाखाबा फॉल्स। देखिए ऐसे। सो गाइस हम लोग वाखाबा फॉल्स देख लिया है, आप लोगों को मैंने दिखा भी दिया हूँ। तो अभी हम लोग फिर से हम लोग का जर्नी स्टार्ट। अभी हम लोग जाएंगे और एक स्पॉट में, ऐसे ही आज पूरा घूमेंगे। घूमते घूमते जब हम लोग का जितना भी स्पॉट है देखने के बाद फिर हम लोग जाएंगे होटल में एंट्री करेंगे। तो ये है सौरा मार्केट, या आप चेरापूंजी मार्केट भी बोल सकते हैं आप। अभी हम लोग लंच करेंगे, टाइम हुआ है 1:30। सो अभी हम लोग यहाँ पे लंच करेंगे गोल्डन स्पून ढाबा। तो चलिए लंच कर लेते हैं, बहुत जोर से भूख लग रहा है यार, टाइम भी हुआ है 1:30। तो चलिए लंच करते हैं। सो गाइस हम लोग का लंच हो गया है और आप लोग देख पा रहे हो गोल्डन स्पून ढाबा, जो मेरे पीछे जो दिख रहा है यहाँ पे, जो नाम लिखा है गोल्डन स्पून ढाबा, यहाँ पे हम लोग लंच किया है और हेवी लंच किया है। तो खाना बहुत टेस्टी भी था और प्राइस भी एकदम सही है। अभी जो टाइम हुआ है 2:15, हम लोग अभी भी घूमेंगे, घूमने के बाद हम लोग जाएंगे रिसोर्ट। तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं नोआकलिकाई फॉल्स। गाइस अभी हम लोग आ गए नोआकली फॉल्स और मेरे जो पीछे जो आप लोग देख पा रहे हो यही है नोआकली फॉल्स। और पानी का स्रोत देखिए यार, कितना जोर से वो पानी गिर रहा है, देखिए नीचे।
ये है सिनेमन स्टिक। यहाँ पे बहुत सारा स्पाइसेस मिलेगा, उधर पे यहाँ पे बहुत सारा पेपर है, पेपर टर्मरिक। सो गाइस अभी हम लोग नोकालिकाई फॉल्स देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं, हम लोग का नेक्स्ट जो स्पॉट है वहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मुसुमाई केव वो देखने के लिए। हाँ। सो स्टे ट्यून गाइस। गाइस अभी हम लोग आ गए मौसमाई केव यहाँ पे। सो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कैसा दिखता है, और केव के अंदर भी हम लोग जाएंगे। तो चलिए टिकट कितने करके 30 रुपये के पर एक, ये इसका क्या लगेगा 10 रुपया कौन जो ना चाहिए अपना। सो गाइस हम लोग अंदर आ चुके हैं, केव के अंदर भी हम लोग जा रहे हैं, और ये लेकिन पूरा एकदम नेचुरल है। और अब आसपास का नज़ारा देखो, बात यह है कि अभी हम लोग केव के अंदर घुस रहे हैं। सामने केव है और कोई ठंडा है अंदर बहुत ही ज्यादा। सही में यार अंदर आकर मजा आ गया। और यहाँ से देखिए ऊपर से पानी भी आ रहा है, देखिए देखिए पानी भी आ रहा है ऊपर से। वाला जो एक्सपीरियंस हुआ हम लोगों का, और ये सब के लिए, ये एग्जिट जो निकलना चाहता है वो निकल सकता है। ये हम लोग अलग से एक्सप्लोर करने घुसे थे, जितना हो सका था उतना एक्सप्लोर करने अलग से घुसे थे। फैमिली निकल गया पहले, हम लोग खुद भी एंजॉय किए और आप लोगों को भी एंजॉय दिखाने के लिए कोशिश की है। तो वो वाला आप देख के आप बोलिए कमेंट करके, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा तो हम लोग अभी बहुत अंदर है एकदम। इधर फैमिली निकल गया, हम दोनों आगे आए हुए, आप लोग एक बार देख सकते हैं, एक बार दिखाइए हर तरफ, ये देखिए बहुत अंदर है, ठीक है, मतलब हद से ज्यादा अंदर है हम लोग अभी। अगर आप लोग इधर आएंगे तो कुछ टॉर्च वगैरह ये सब लेके आना, नहीं तो कुछ दिखेगा नहीं। और हम लोग फ्लैश लाइट से अभी फिलहाल काम चला रहे हैं, तो उसी से मतलब जो हो रहा है, लेकिन उसके अलावा एक टॉर्च चाहिए होगा एकदम टॉर्च, नहीं तो पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे
ठीक है, बहुत सारा जगह पे ऐसे ऐसा भी है कि आप लोग पैर ही नहीं रख पाओगे, गिर जाओगे, एकदम एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जिसको एडवेंचर पसंद है, एडवेंचर करना चाहते हैं, भाई आ जाओ, तुम मेघालय में आ जाओ, उनको जो एडवेंचर मिलेगा ना, तुम कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। और नहीं, अभी तो फिलहाल जो तार का रोशनी दिख रहा है, ये देखिए तो चलो भाई, तो पीछे आ रहा है। अभी यहां से हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन देख के जाना पड़ेगा, नहीं तो माथे पे चोट आ सकता है। सो गाइस, और यहां से आप लोगों को दिखाते हैं कैसा दिखता है। देखो, मुझे तो पता है अंदर में लाइट कम है, तो इसके लिए आप लोगों को सही से नहीं दिखाई होगा। हम लोग कोशिश किया है जी, यहाँ अंदर में जाकर दिखाने के लिए कोशिश किया है जितना भी हो सके। पता है लाइट कम है बोल के, तो विजिबिलिटी बहुत कम है, फिर भी हम लोग मोबाइल का लाइट जला के दोनों भाई कोशिश किए आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो अभी तो वो आप कमेंट करके आप बोलेंगे आपको कि अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। अभी अंदर हम लोग जा सकते थे लेकिन नहीं जाए, लेकिन उस तरफ कुछ मतलब कुछ लाइट पैड कुछ दिया नहीं है, तो लाइट पैड वहाँ पे अंदर में है नहीं, तो जिंदा भी हो सके हम लोग देखा है, इंजॉय किए। और देखिए यहाँ पे, देखिए पूरा फैमिली अंदर से आकर बाहर आकर सब बैठ गया है, अभी भी शौक में है। सो गाइस, अभी हम लोग कैफ के बाहर आ गए, हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों का गाड़ी की है वहाँ पे। अभी सब फैमिली लोग सब एंजॉय करते हुए। तो चलिए फिर हम लोग जाते हैं, मेरा हम लोगों का जो दूसरा स्पॉट है वहाँ पे जाते हैं। सो चलिए जाते हैं दूसरा स्पॉट पे। पूरा नेचुरल है, मतलब आर्टिफिशियल कुछ, मतलब सिर्फ वो पुल बना है एक आध जगह पे, क्योंकि वो वहाँ पे जब रेनी सीजन आता है, मानसून आता है, वहाँ पानी भर जाता है, तो जगह जगह पे सिर्फ छोटा छोटा पुल जैसे आप लोगों ने देखा वैसा बनाया हुआ है, बाकी पूरा नेचुरली वो क्रिएटेड है, और एक दिन में तो नहीं बना, ये हजारों साल के मतलब कोरोशन, रॉक कोरोशन के बाद बना है। काफ़ी सुंदर जगह है, लेकिन एक टिप्स या फिर सलाह आप लोग, मतलब मैं देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर आएंगे या पूरा केव अगर आप मतलब एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस मेंटेलिटी से आएंगे कि पूरा केव मेरे को घूम के देखना है 150 का 150 मीटर, भाई देखो ये केव पूरा 150 मीटर में फैला हुआ है जमीन के अंदर, तो अगर मतलब अगर आप हर एक जगह पे जाना चाहते हैं केव के अंदर, तो एक टॉर्च अपने से जरूर कैरी कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल का फ्लैश भी उधर कम पड़ रहा है, इतना अंधेरा है, क्योंकि जिस जगह पे मतलब नेचुरली आप घुस के बाहर निकल सकते हैं वो बड़ा है, उतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन जो जगह पे आप मतलब एडवेंचर करने के लिए घुसना चाहते हैं वो उसके अंदर थोड़ा सा भी रोशनी नहीं आता, मतलब सनलाइट आने का कोई चांस नहीं है, और आप सोच ही सकते हैं कितना अंधेरा है उधर। तो बस यही कहना है, तो जैसे सुना आप लोगों ने, हम जाएंगे सेवन सिस्टर्स, उधर से बांग्लादेश बॉर्डर भी दिखता है, तो उसके बाद आज का हमारा साइट सीइंग का प्लान यही था कि उसके बाद होटल में घुस जाएंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं डायरेक्टली सेवन सिस्टर्स फॉल्स में, तब तक के लिए स्टे सेफ, और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है। ठीक है, बाय बाय। और मैंने बहुत अच्छा सा हेयर स्टाइल किया, ये कैसा लग रहा है। तो अभी हम लोग आ गए सेवन सिस्टर फॉल्स, तो उस तरफ तो है, चलिए दिखाते हैं। यहाँ से हम लोग का जो होम स्टे है
ये अबाउट 4 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो पहले आप सेवन सिस्टर फॉल्स देखिए और एंजॉय कीजिए। ये सामने आप जो देख पा रहे हो फॉल्स, सेवन सिस्टर फॉल्स, एक्चुअली में मेघालय का जो मेन सीजन है वो है बारिश का मौसम पे, जो आपका जुलाई अगस्त में आप जितना आकर देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स का जो पानी का जो तेज होता है या पानी का जो प्रेशर होता है ज़्यादा रहता है। तो अभी तो बारिश का मौसम तो है नहीं, फिर भी जो दिख रहा है आप लोगों को यही है सेवन सिस्टर फॉल्स। तो अभी हम लोग सेवन सिस्टर फॉल्स तो देख लिया है, आप लोगों को दिखा भी दिया है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं, अभी टाइम है 4:30, अभी हम लोग होटल जाएंगे, होटल नहीं सॉरी होम स्टे। आज का जो स्टे है आजकल हम लोग यहाँ पे ही रुकने वाले हैं। तो के दिन के लिए आप लोग जो मैं दिखाने वाला हूँ वो है डबल डेकर रूट ब्रिज, तो आपको बहुत सारा मज़ा आएगा वो देखने के लिए। और वहाँ पे भी एडवेंचर है, इसीलिए हम लोगों को उतरना है नीचे, फिर सीढ़ी चढ़ना भी है ऊपर आने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, सेफ राइड, बाय बाय।